रीवा कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने आयुष्मान कार्ड बनाने की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी तथा मुख्यमंत्री जी की उच्च प्राथमिकता की योजनाओं में आयुष्मान कार्ड योजना शामिल है। इस योजना से पात्र परिवार के सदस्यों को एक वर्ष में 5 लाख रुपए तक की उपचार की सुविधा मिलती है। पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार कर ली गई है। जो व्यक्ति इस सूची में शामिल होते हुए भी आयुष्मान कार्ड से वंचित हैं, उनके कार्ड अभियान चलाकर बनाएं। हर पात्र व्यक्ति को 2 अक्टूबर तक आयुष्मान कार्ड जारी करें। कलेक्टर ने कहा कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सभी CMO तथा जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पात्र व्यक्तियों की सूचना तत्काल उपलब्ध कराएं। सभी CMO प्रत्येक वार्ड के पार्षदों के सहयोग से शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाएं। इस तरह जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिविर लगाकर प्रतिदिन आयुष्मान कार्ड जारी करें। इसमें किसी भी तरह की कठिनाई आने पर तत्काल अवगत कराएं। आयुष्मान कार्ड की प्रगति की प्रतिदिन जानकारी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। नगर निगम शहरी क्षेत्र में भी सभी वार्डों में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए शिविर लगाएं। लोक सेवा केंद्रों में भी आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। कलेक्टर ने कहा कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सभी अस्पताल की OPD में आने वाले प्रत्येक रोगी से आयुष्मान कार्ड की जानकारी लें। यदि कोई रोगी पात्र पाया जाता है तो तत्काल आयुष्मान कार्ड बनाने की व्यवस्था करें। सभी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए दल तैनात करें। निजी अस्पतालों को भी आयुष्मान कार्ड केंद्र बनाने के लिए निर्देश दें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रगति के संबंध में प्रतिदिन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। बैठक में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीना, अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, सभी SDM, डिप्टी कलेक्टर संजीव पांडे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर NN मिश्रा, जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी उपस्थित रहे।